अगर आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है और उसको पेमेंट के लिए जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में उसको यूज़ करते हैं, तो आपका जो कार्ड होता है वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, पेमेंट वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है, और आपका कार्ड अगर वहाँ पे ब्लॉक बता रहे हैं तो कैसे आप यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं अपने कार्ड को, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो उसको आपको पेमेंट वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। देन यहाँ पर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का व्योम एप्लीकेशन मिलेगा, इसको दोस्तों सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद लॉग इन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिंगरप्रिंट यूज करके मैं दोस्तों यहाँ पे लॉगिन के प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप भी यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको होम स्क्रीन इस प्रकार का यहाँ पे देखने मिलेगा। देन उसके बाद आप नीचे में स्क्रॉल करें तो नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा डेबिट कार्ड का। तो ये डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, और वो ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा पेमेंट चैनल सेटिंग का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट है कार्ड है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चैनल डोमेस्टिक और चैनल इंटरनेशनल का ऑप्शन देखने मिलेगा। डोमेस्टिक हो गया कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ATM का ऑप्शन मिलेगा, POS का ऑप्शन मिलेगा, ई कॉमर्स का है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड का ऑप्शन है। तो आपका ये जो ई कॉमर्स वाला ऑप्शन अगर आपको ऑफ किया है तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इसको दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद आपको इंटरनेशनल वाले ऑप्शन में भी ई कॉमर्स वेबसाइट वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है, और ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, देन कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन बनाया है उस पिन को आपको यहाँ पे डालना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जो आपका ई कॉमर्स वाला ऑप्शन अगर आपका डिसेबल किया हुआ था वो दोस्तों आपका इनेबल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। देन उसके बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट में आप जाइए, अमेजन में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए। देन उसके बाद पेमेंट के लिए आप जैसे इस कार्ड को यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको वहां पे कार्ड काम करना चालू कर देगा, पेमेंट आपका जरूर डिडक्ट होना चालू हो जाएगा।